हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लूज मोशंस के बारे में। जो बर्ड्स को जनरली लूज मोशन हो जाती है, तो कई लोगों की क्वेरी सारे थी कि उनके बर्ड्स को लूज मोशन हो गया या लूज मोशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में मैं सारे ऐसी मतलब हर एक बारीकी कवर करूंगा बर्ड्स में जो लूज मोशन है उससे रिलेटेड क्यों होता है, इसके जो सिम्टम्स क्या क्या है, इसकी दवा क्या है और कैसे अपने बर्ड को इससे बचाया जा सकता है। तो आप वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले लूज मोशंस की रीज़न के बारे में। तो गाइस, लूज मोशंस कई रीज़न से होते हैं। अगर आपकी बर्ड स्ट्रेस में आ गई है तो आपकी बर्ड को लूज मोशन हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर गर्मी है, तो भी आपकी बर्ड को लूज मोशन हो सकता है। अगर आपने अपनी बर्ड को एक्सेस सॉफ्ट फूड दे दिया है तो भी आपकी बर्ड को, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं गाइस जिसको खाने के बाद जो है आपकी बर्ड जो है लूज मोशन करती है, तो एक दो दिन लूज मोशन करती है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और गाइस, अगर आपकी बर्ड को आपने जो दाना पानी दे रहे हैं वो अगर अच्छा दाना पानी, मतलब दाना पानी ख़राब हो गया हो, उसमें कीड़े लग गए हो, फंगस लग गया या बैक्टीरिया लग गया हो, तो भी हो सकता है गाइस आपकी बर्ड को लूज मोशन। या तो फिर अगर सीजनल चेंज होते हैं, जैसे मौसम जब बदलता है, तो भी गाइस बर्ड को अपने आप को एडजस्ट करने में, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, बर्ड अपने आप को सीजनल चेंज के उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो भी आपके बर्ड को लूज मोशन हो सकता है गाइस। अब बात करते हैं गाइस की सिम्टम्स क्या होते हैं, किन कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बर्ड को लूज मोशन हुआ है या नहीं हुआ है गाइस। तो जो सबसे पहले चीज़ है गाइस, वो है अपनी बर्ड के जो है जो पॉटी होती है आपकी बर्ड की, या जो लू होता है उसको देख के आप पहचान सकते हैं। अगर लू ज़्यादा वाटरी है या वाटरी टाइप है, या नॉर्मल जो कोस में लू करती है उससे थोड़ा अलग है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा आ रहा है, तो देख के आप समझ सकते हैं गाइस कि जो है आपकी बर्ड को लूज मोशन हुआ है। ये तो एक हो गया। दूसरी चीज़ गाइस कि आपका अगर ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है, तो लूज मोशन जब बढ़ जाता है तो इसके सिम्टम्स या इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी बर्ड पर भी दिखने लगते हैं। जैसे गाइस, आपकी बर्ड जो है शरीर फुलाकर नीचे बैठ जाती है, आंख बंद करके कोने में अपने आप को बैठने आइडली बैठेगी, कुछ करेगी नहीं, दाना खाना कम कर देगी। या तो फिर गाइस अगर देखेंगे तो जो केज रहेगा या सेटअप रहेगा उसमें दीवार में या आपके जो जाली में अपने चोट से अपने आप को टिका कर जो है लटकी हुई रहेगी। तो ये सब सिम्टम्स है गाइस की आपकी बर्ड को लूज मोशन हो गया है और वो जो है बीमार है, ये सब सिम्टम्स है। तो ये देख कर आप पहचान जाइएगा इसकी बर्ड को आपके सिम्टम वो है। अब बात करते हैं गाइस कि इसके लिए कौन कौन सी दवाएं दी जाती है गाइस। तो दवाएं जो गाइस कई होती हैं जो आप अपने बर्ड को लूज मोशन में दे सकते, लूज मोशन अगर आपके बर्ड को है तो आप दे सकते हैं। जैसे कई ओटू, कई लोग ओटू देते हैं, कई लोग फ्लैजाइल जेल, जो फ्लैजाइल सिरप है उसके टैबलेट भी आते हैं 400 mg की, वो दे सकते हैं। नहीं तो गाइस नॉरफ्लॉक्स टीजेज आता है जो इंसानों के लिए है। ये गाइस जो तीनों दवाएं बोले हैं, तीनों जो है इंसानों की दवा है, ये आप तीनों दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप एक दवा दे सकते हैं आपके बर्ड को, और इसका डोसेज जनरली 5 ml दिया जाता है, और अगर टैबलेट है तो 1 liter पानी में एक कैप्सूल या एक टैबलेट देते हैं गाइस। और अगर सिरप है तो 5 ml जो है आप 1 liter पानी में मिला के अपने बर्ड को दे सकते हैं गाइस। देने का तरीका भी आप लोग को पता है। अब बात करते हैं गाइस कि इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बर्ड को जो है लूज मोशन की दवा दें, तो लूज मोशन की दवा के साथ साथ उसमें थोड़ा जो है एक चम्मच ORS पानी, एक लीटर पानी में एक चम्मच ORS मिला देगा इसकी, जिससे कि आपकी बर्ड की बॉडी में वाटर की कमी ना हो, आपकी बर्ड में डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि गाइस अगर लूज मोशन ज़्यादा हो जाता है आपकी बर्ड में तो ये बहुत ही रिस्की है, फैटल है, आपकी बर्ड को डायरिया हो सकता है, और डायरिया होने के बाद आपकी बर्ड जो है ख़त्म भी हो सकती है इसके चलते गाइस। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि अगर आपकी बर्ड को लूज मोशन है तो उसको तुरंत बाकी बर्ड से आइसोलेट करिए, उसको साफ सुथरे केज में रखिए, और उसको जो है आप जो दवा, जैसे मैंने जो दवाएं बताई है, O2 है, फ्लाइजाइल सिरप है, या नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, जो भी है दवा दीजिए, और साथ साथ उसमें जो है ORS भी, उसको दवा के साथ ORS भी जो है उसमें थोड़ा उस पानी में मिला के उसको दे दीजिए गाइस। और इसका केज जो है सेटअप रखिएगा, और जब तक जो है आप, अगर आपके जो है बर्ड को लूज मोशन हुआ गाइस, तो दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको सीड मिक्स में सिर्फ और सिर्फ प्लेन कंगनी दीजिएगा, और जब तक आपकी बर्ड का लूज मोशन सही नहीं हो जाता है आप उसे कोई भी सॉफ्ट फूड मत दीजिएगा इस, क्योंकि सॉफ्ट फूड देंगे तो सॉफ्ट फूड से एक तरह से जो है मोशन को फिर वो एग्रेवेट करेगी, इससे जो है लूज मोशन और बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। इसलिए गाइस जब भी आपकी बर्ड को, या कोई भी बर्ड आप रखे हैं उसको लूज मोशन है, तो उसको सबसे पहली चीज़ की सॉफ्ट फूड अवॉइड करिए, पानी उसका जो है दिन में 2 से 3 बार उसकी पानी बदलिए, और बाकी बर्ड से जो है, बाकी आपकी जो बर्ड्स है उससे उसको सेपरेट रखिए, उसका केज जो है साफ सुथरा रखिए। अब बात करते हैं गाइस कि अगर आपके बर्ड में जो लूज मोशन है, अगर वो आपने टाइमली ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है गाइस। तो अगर आपने अपनी बर्ड में जो लूज मोशन है उसको टाइमली अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी बर्ड्स को डायरिया हो जाएगा,
और डायरिया जो होता है गाइस ये बहुत फैटल होता है, और कई बार होता है गाइस कि आपकी बर्ड में डिहाइड्रेशन वाटर की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि बर्ड आपकी ख़त्म हो सकती है। और तो और धीरे धीरे होगा कि अगर लूज मोशन ज़्यादा हो गया है तो गाइस आपकी बर्ड देखेंगे आप तो बर्ड सूखने लगेगी, सूखा जो उसके चेस्ट की बोन है वो बाहर दिखने लगेगी, बर्ड आपकी फीडिंग करना फीड लेना बंद कर देगी। तो गाइस आपको जो है इमिडिएटली रेस्पॉन्स उस बर्ड को रेस्पॉन्ड करना होगा गाइस, उसको जो है तुरंत आपको हैंड फीड पे लेना होगा। अगर आपकी बर्ड्स अपने आप से लूज मोशन के चलते दाना खाना बंद करती है तो गाइस आपको तुरंत उसे हैंड फीड में लेना होगा। और ऐसी बर्ड्स जिनके जो है मतलब डायरिया वाली स्टेज में आ गई है या जिन्होंने दाना पानी लेना बंद कर दिया गाइस, तो इनको आप इमिडिएटली जो है दवा नहीं दीजिएगा। सबसे पहले तो इनको जो है आइसोलेट करने के बाद इनको हैंड फीड पे लीजिएगा, और हैंड फीड पे लेने के बाद गाइस ये क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो चुकी रहती है तो इनको अगर आप इमिडिएटली दवा देते हैं तो हो सकता है दवा इनके लिए घातक हो सकता है और ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो गाइस इनको सबसे पहले अगर आप जो है हैंड फीड पे लेते हैं ऐसी बर्ड जो दाना पानी लेना बंद कर चुकी है लूज मोशन के चलते, तो उसको अगर आप हैंड फीड पे लेते हैं तो हैंड फीड पे लेने से पहले गाइस जैसे आप उसको हैंड फीड पे लेते हैं तो उसको जो पहले दो दिन तक जो है लिवर टॉनिक कोई भी आपके पास हो जैसे LIV52 है या जो भी लिवर टॉनिक आपके पास अवेलेबल है तो आप पहले उसको दो दिन तक जो है गाइस अपने बर्ड को लिवर टॉनिक दीजिए। और क्योंकि अगर आप हैंड फीड पे लिए हैं तो उसको जो है हैंड फीड के बाद या उसके जो है हैंड फीडिंग फॉर्मूले में सुबह एक ड्रॉप और शाम को एक ड्रॉप जो है गाइस लिवर टॉनिक उसको मिक्स करके दीजिए, या डायरेक्ट एक एक ड्रॉप अपने बर्ड के उसमें मुँह में भी दे सकते हैं लिवर टॉनिक। उसका दो दिन तक कम से कम उनको दो दिन जो है लिवर टॉनिक चले, उसके बाद दो दिन तक जो है उसको गाइस सुबह एक ड्रॉप और शाम को एक ड्रॉप उसको जो लूज मोशन की दवा है वो अपनी बर्ड को दीजिए, जैसे फ्लैजाइल हो गया सिरप हो गया या ओटू हो गया, तो एक एक ड्रॉप आप अपनी बर्ड को सीधे मुंह में दे सकते हो। फिर दो दिन या तीन दिन के कोर्स के बाद फिर उसको जो है दो दिन तक LIV52 या कोई भी जो है लिवर टॉनिक चलेगा। क्योंकि जब बर्ड कमज़ोर हो जाती है तो अगर आप कमज़ोर बर्ड को या जो फीड नहीं कर जिसने खानदाना पानी खुद से लेने से बंद कर दिया है अगर आप उसको जो है दवा देते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक या दवा देते हैं तो गाइस ये उसके लिए काफ़ी घातक हो सकता है, बर्ड आपकी मर सकती है। तो गाइस ऐसे कंडीशन में गाइस सबसे पहले बर्ड को जो है लिवर टॉनिक देकर ही उसको जो है दवा दीजिएगा। और जब भी लूज मोशन की दवा देगा इस तो उसके साथ ध्यान रखिएगा कि आप जो है ORS या कोई भी सॉल्यूशन दे जिससे आपकी बर्ड में जो है डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। होप गाइस ये जानकारी जो मैंने आपको दी है अच्छी लगी हो, और जितने भी आपकी जो लूज मोशन से रिलेटेड क्वेरीज थी मैंने सारे इसमें जो है कवर कर दिए हैं। और अब से रिक्वेस्ट गाइस अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू।